हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल CNC कैट कैम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि रिलेशन क्या होता है और ये कैसे काम करते हैं और इसके क्या मेन रोल होते हैं। ठीक है, तो अगर जब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। एंड देखो दोस्तों, जैसे मैं एक बार इसमें विंडो पॉपअप जो है कोई एक ये मान लो, ये मैंने विंडो ओपन कर ली, इस तरीके से स्केच में आ गया और यहाँ पे आप देखेंगे ये रिलेशन है। डिस्प्ले या डिलीट यानी कि जो रिलेशन शो करना या डिलीट कर सकते हो, वहाँ से कौन सा रिलेशन आपको हटाना है तो हटा सकते हो, और ऐड रिलेशन यहाँ पे ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो। रिलेशन से मतलब थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ डिटेल में। यो जो भी लाइन वगैरह है या जो भी हमारी स्केच होती है वो एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं, यानी कि या तो ये रिलेशन फॉर एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, कोलिनियर है, कोइंसिडेंट है, तो इस तरीके के जो है कोएक्सिलिटी है, इस तरीके के जो रिलेशन है वो हो सकते हैं। जैसे हमारी नॉर्मल लाइफ में भी लोगों के साथ रिलेशन होते हैं, जो भाई बहन का है या और भी कोई रिश्ते होते हैं, ब्रदर इन लॉ, हस्बैंड वाइफ, ये सारे जो रिलेशन इसी तरीके से इन लोगों में भी एक रिलेशन है। तो उस तरीके का अभी मैं एक जैसे आपको शो करता हूँ क्या होता। मान लीजिए मैं कोई एक स्केच बना लेता हूँ छोटा सा, ठीक है, ये इस तरीके का मैंने बना लिया, एक स्केच में बन ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए मैं इस तरीके का कुछ बना लेता हूँ, ये आप देख ही दीजिए। ठीक है, अब जैसे क्या है, ये मैंने एक ड्राइंग बना ली, ये आपको दिख रहा है हॉरिजॉन्टल है, ये इसमें रिलेशन लगा है। ये देखो जो इसमें जो आप देखेंगे जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये हॉरिजॉन्टल का सिंबल है, तो यानी कि इसमें ऑलरेडी रिलेशन लगा है, ये जैसे इंक्लाइंड है ये है। अब यहाँ से इसको हम देखेंगे, मान लीजिए मैं इसमें एक सर्किल और बना लेता हूँ, ठीक है। अब ये देख लीजिए यहाँ से, अब मैं करता हूँ ऐड द रिलेशन। अब इसमें ऐड रिलेशन जैसे करेंगे, ये पहले ही इसने ये सेलेक्ट कर लिया, अभी मान लो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, अभी कोई नहीं। अभी आप यहाँ पे जो भी करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं ये चाहता हूँ ये लाइन और ये लाइन बराबर हो जाए एक दूसरे के, ठीक है, तो अभी बराबर है नहीं। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो मैं दिखा देता हूँ डायमेंशन से भी पहले, अभी आप सोच रहे हो बराबर है, ठीक है, ये देखिए ये 64 है, और आप इसको देखेंगे तो ये है तो आपकी, ये देखो इंक्लाइंड है, एंगल में दिखाई दे रहा पूरा, वो भी नहीं है यानी कि वर्टिकल भी नहीं है, ठीक है, तो इसलिए मैं इसमें रिलेशन लगाता हूँ। अब आप देखिए ये ऐड रिलेशन पे जाएंगे हम, और ऐड रिलेशन पे जाने के बाद ये सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, ये दो लाइन हो रही है, ठीक है, इसलिए इन दोनों को पहला कर लेता हूँ मैं, ये वाला नहीं, ये वाला कर लेते हैं, ठीक है, ये दो लाइन है, ठीक है, और इन दोनों लाइन को क्या है हम ओके, और इन्हें यहाँ से जाएंगे रिलेशन में ऐड रिलेशन, तो ये जो है ऑलरेडी ये आपको रिलेशन लग चुका है, यानी कि ये आपका वर्टिकल में है। अगर अब मैं इसको इसके रेस्पेक्ट में रिलेशन लगाना है, ठीक है, ऐड रिलेशन और ये देख लीजिए आप चाहते हैं ये है इस तरीके का, ठीक है। अब इसमें जैसे इस पे क्लिक करा, ये इस तरीके का विंडो ये खुल के आ गया। अब इसमें ये हॉरिजॉन्टल करना है या वर्टिकल करना है, ये उस तरीके का रिलेशन का। अब जैसे मैं इसे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रखेंगे, हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। अब जो है इस पर मुझे इसे क्लिक करना है, और ये देखो ये भी ओपन होकर आ जाता है विंडो, ऊपर विंडो खुलती है, इसे हमें करना ये वर्टिकल कर दिया। अब मान लो ये और इस दोनों में करना,
ये सिलेक्ट है, कंट्रोल करके इसे भी सिलेक्ट कर लो। अब ये दोनों में है, इसमें जो है पॉसिबिलिटी ऑफ द रिलेशन की है कि आप इसे हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, इन दोनों को वर्टिकल कर सकते हैं, कोलिनियर कर सकते हैं, परपेंडिकुलर कर सकते हैं, पैरेलल कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं, या फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके के ये विंडो है, ये इसमें पॉसिबिलिटी है। जैसे भी जो भी लाइन होगी, अगर मैं सर्किल होता तो कुछ और दिखाता, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो जैसे मैं आप चाहता हूँ इसमें भाई क्या मैं पैरेलल कर लूँ, ठीक है, और एक इक्वल भी होना चाहिए। तो ये देखिए ये पैरेलल हो, ये इक्वल हो गया। अभी इसमें जो है ये दोनों पैरेलल और इक्वल हो चुके हैं, ठीक है। अब इसमें ओके कर देंगे। अब ये, अब मैं चाहता हूँ ये वाला सर्किल जो है, अब देख लीजिए कितने का डाया, मैं इसमें दे देता हूँ स्मार्ट डायमेंशन, ये दे देता हूँ मैं 15, ये 15 है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये सर्किल के बराबर भी ये सर्किल हो, तो इसे भी मैं जैसे सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, ये कर लिया। सेलेक्ट और ये वाला सेलेक्ट, तो इसमें पॉसिबिलिटी ऑफ रिलेशन देखो, आगे आप इसे जो है मेगा कोरोडियल कर सकते हैं, टेंजेंट कर सकते हैं, कोएक्सियलिटी कर सकते हैं, कोसेंट्रिक या कोएक्सियलिटी, और बराबर कर सकते हैं। तो मुझे क्या करना है, यहाँ से भी कर सकते हो, ये यहाँ पे भी दिखा रहा देखो, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे पहले तो इक्वल करना दोनों, देखिए जैसे दो निकल करे एक निकल हो गए, ठीक है, और इक्वल कर दिए। अब इसको बाकी मैंने ये कर दिया इक्वल, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, मुझे ये लाइन को स्ट्रेट करना पहले तो, ठीक है, इसे मैं हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ, ये स्ट्रेट हो गई, ठीक है। अब इसको भी मुझे स्ट्रेट करना है, ये भी स्ट्रेट हो गई। अब मैं चाहता हूँ ये वाली लाइन और ये लाइन कोलिनियर हो जाए, ठीक है। ये देखिए जैसे कोलिनियर करे ये ऑटोमेटिक नीचे शिफ्ट हो गया और ये दोनों एक लाइन में आ गए। और अगर आप चाहते हो इन्हें भी, जैसे ये वाली लाइन है, अगर मैं इसको अभी थोड़ा सा डायमेंशन देके छोटा कर देता हूँ, ठीक है, मान लीजिए इसमें, इसे मैं कर देता हूँ 20, ठीक है, तो ये 20 हो गया। और अब मैं इन दोनों को जो है इन्हें भी करना चाहता हूँ इसी तरीके से, ये देख लीजिए, और इसको मैं इक्वल का दे देता हूँ। तो इसे आप वर्टिकल तो रखना ही है, दोनों में वर्टिकल का रिलेशन लगा दें, और इक्वल का पैरेलल का लगाना है, ठीक है, और इक्वल भी, ये तीन रिलेशन। ये देखिए इसमें पैरेलल का रिलेशन आ गया, इक्वल का, इस तरीके का ये रिलेशन जो है शो करेगा, ठीक है। और अगर एक मैं मान लीजिए यहाँ पे एक्सिस ले लेता हूँ, ठीक है, सेंटर लाइन से एक्सिस ले लेता हूँ। अभी क्या है आप देख रहे हैं, तो जैसे ये ड्रैग करेंगे तो ये इधर उधर हो सकता है, ठीक है, ये रिलेशन इक्वल का लगा हुआ है। अगर मैं इसमें एक रिलेशन और लगा सकता हूँ, ठीक है, ये सिलेक्ट दिस, ठीक है। तो अगर आपको इसके जो है क्या करना, फिक्स टेंजेंट बनाना है तो टेंजेंट बना सकते हैं, ये देखिए ये इसके टेंजेंट हो गया। तो इस तरीके का आप रिलेशन लगा सकते हैं, ये टेंजेंट हो गया, इसे कंट्रोल जेड करके मैं वही कर लेता हूँ, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, तो ये ले लीजिए, सिलेक्ट दिस वन और सिलेक्ट दिस वन। अब मुझे इसमें सिमेट्रिक करना है, यानी सिमेट्रिक मतलब इससे ये दोनों सिमेट्रिक चलाए बराबर बराबर में, ये देखिए ये सिमेट्रिक हो गया। तो अभी क्या है, ये सिमेट्रिक है, अगर मैं मूव करूँगा तो ये साथ में मूव होगा, देखो ये जितना एक साइड ये चलेगा उतना ही ये चलेगा, बराबर चलेगा, देखो दूर जाएगा तो बराबर जाएगा, पास आएगा तो बराबर आएगा, ये जो सिमेट्रिक का है, ठीक है, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। एक अब उधर एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मान लीजिए आपने कोई एक लाइन ले रखी है, मैं बहुत डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, और ये जो कमांड्स है बहुत ही इम्पोर्टेंट कमांड है, और इसके बिना जो है पॉसिबल नहीं है कि आप डिजाइन कर पाओ। तो ये रिलेशन
बहुत ही ध्यान में रखने वाली चीज है। अब जैसे ये लाइन है, आप चाहते हैं इस लाइन को वर्टिकल करना तो वर्टिकल हो जाएगा, ये अभी इंक्लाइंड है तो हॉरिजॉन्टल चाहते हो, देखो हॉरिजॉन्टल हो गया। अगर आप चाहते हो इसको वर्टिकल करना तो वर्टिकल, अभी इसमें एक रिलेशन लग गया तो इसलिए कि ओवर डिफाइन दिखा रहा है, इसमें दोबारा हम नहीं लगा सकते, ठीक है। अब मुझे, मैं चाहता हूँ ये और इसमें रिलेशन लगा देता हूँ, ये इसके परपेंडिकुलर आ जाए, ठीक है। तो ये देखिए परपेंडिकुलर आ जाएगा, ये देखो इसके परपेंडिकुलर हो गया। और ये मैं चाहता हूँ ये एक जगह जो इक्वल भी हो जाए, यानी ठीक है, तो ये इक्वल भी इक्वल कर सकते हैं यहाँ से, ये देखिए ये बराबर हो गया, बढ़ गया इसके। तो इस तरीके के रिलेशन हम कर सकते हैं। अब बात रही दूसरी ये कि रिलेशन को हम, अब इसमें एक चीज़ हो रहा है, अगर मैं चाहता हूँ इसका ये पॉइंट और इसका ये पॉइंट मैं फिक्स कर सकता हूँ, ये देखिए मर्ज द पॉइंट, तो मर्ज भी कर सकते हैं, यहाँ पे विंडो दिखाई दे रही है, ओपन हो रही है, तो यह फिक्स कर सकते हैं, इसे मर्ज करना चाहें तो देखिए ये मर्ज भी दोनों एक साथ में हो गए। तो दोस्तों इस तरीके से ये रिलेशन काम करते हैं। अगर आप चाहते हो ये रिलेशन आपको डिलीट करना है तो ये रिलेशन देखो आ गए हैं, तो यहाँ से आपको क्लिक करके इसे डिलीट कर सकते हो, तो ये रिलेशन आपके डिलीट भी हो जाएंगे। तो यही ऐड और रिलेशन का रहता है। आई होप आपको सारे रिलेशन समझ में आ गए होंगे, बेसिक रिलेशन होते क्या हैं और ये कैसे काम करते हैं आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें। और आज की इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक फॉर वॉचिंग, जय हिंद।